नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड सरकार ने गजट जारी कर दिया है। अगर इसे आसान भाषा में कहूं तो नई नियमावली को जारी कर दिया है, जहां पे झारखंड में अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, यानी कि आपकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो सरकार ने निर्धारित कर दिया है। मैं आपको बताऊँ, पूरी बात आसान भाषा में हम लोग देखेंगे वन बाय वन, बिना किसी बायस्ड व्यू से। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, बेल आइकन दबाइए। और एक और बात, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, झारखंड सरकार की दो तीन चीज़ें यहाँ पे बहुत गड़बड़ हुई है। सबसे पहली बात जिस पे कंट्रोवर्सी हुई है, मैट्रिक और इंटर को लेकर। जी हाँ, अगर आप झारखंड से मैट्रिक और इंटर नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको जो है सी और डी ग्रुप में जॉब नहीं मिलेगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, यह रिक्रूटमेंट केवल और केवल जनरल वाले पे लागू होगी, ना कि किसी और जो है कैटेगरी के लिए। यानी कि ओबीसी वाले पाकिस्तान से भी अगर मैट्रिक इंटर कर लेंगे तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। एससी एसटी वाले भी जॉब ले सकते हैं। बस जनरल वाले को ये फाड़ेंगे, चीरेंगे, क्योंकि ये सरकार बहुत ही निकम्मी और बाहियात टाइप की सरकार है। क्योंकि जनरल वाले का बैंड बजाना हर सरकारों की नियति रही है, तो इस सरकार ने भी फाड़ा है कस के। आगे बढ़ेंगे और एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आती है, जो 1932 का खातियान वाला है उसे भी जो है जनरल वाले को ये बाहर कर देंगे, जॉब नहीं देंगे। खैर, अंधी नगड़ी चौपट राजा टकेसर भाजा टकेसर खाजा वाला हिसाब इन्होंने रखा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक एक करके आपको चीज़ों को मैं समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ से देख सकते हो आप, यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2021 कहलाएगी। जी हाँ, चलिए, और इसका विस्तार जो है पूरे झारखंड राज्य में होगा। और यहाँ से देख लिए, जब से यह गजट प्रकाशित हो जाएगी यह लागू हो जाएगी। एक और बात मैं आपको बता दूँ, दो तीन चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखा है यहाँ पे कि आपका जो नोटिफिकेशन जैसे ही जारी हो जाता है, एप्लीकेशन प्राप्त करने की आखिरी तिथि, अगर सोच लो कि अगर कोई एग्ज़ाम आने वाला है 17 अगस्त, इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, और आपने 17 अगस्त तक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिज़ायर क्वालिफिकेशन जो चाहिए होगा, अगर किसी पोस्ट के लिए मैट्रिक पास होना ज़रूरी है, तो आप 17 अगस्त से पहले अगर आप मैट्रिक पास कर जाते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम चीज़ें इंटर और मैट्रिक ग्रेजुएशन के साथ होगी, तो ये इन्होंने साफ साफ कर रखा है। आगे देखिए, आपको जो है यहाँ पे देखो, एक और बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लैंग्वेज को लेकर। उससे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं, अगर आप अनरिजर्व्ड हो तो आपके पास एटलीस्ट 40% मार्क्स आपको लाना होगा, और अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 32% मार्क्स लाना होगा। 100 नंबर का अगर आप पेपर दे रहे हो तो जनरल वाले के लिए 40 लाना जो है मिनिमम कर दिया गया है, और अनुसूचित जनजाति एवं महिला के लिए 32%। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 के लिए 34% और पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए 36.5% लाना ज़रूरी है। आदिम जनजाति समूह के लिए 30% और EWS के लिए 40% है, यानी कि EWS को यहाँ पे कोई रियायत नहीं दी गई है। आगे देखिए, अब इंग्लिश और हिंदी का फंडा समझा देता हूं मैं आपको। यह एग्ज़ाम से हटाया नहीं गया है, लेकिन इसकी वैलिडिटी उतनी ही है जितनी कि भारत में राष्ट्रपति की वैलिडिटी है। भारत के पास, राष्ट्रपति के पास कहने को तो बहुत सारा पावर है, लेकिन एक्चुअल पावर उसके पास कुछ नहीं है। ऐसा कुछ यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के लिए भी है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश में पास नहीं कर पाते हो, 30% अंक नहीं लाते हो, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन आपका जो नंबर, आप इसमें कितना भी ले आओ, लेकिन जो मेरिट बनेगा, मेघा सूची बनेगी, उसमें इसका कोई योगदान नहीं होगा। बिल्कुल राष्ट्रपति बना दिया है अंग्रेजी और हिंदी को। आगे देखिए, जनजातीय भाषा में 30% नंबर लाना ही होगा और यह मेरिट में जुड़ेगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होगा। सामान्य ज्ञान में भी 30% आपको अंक लाना होगा। आगे देखिए, इसी तरह से जो बातें यहाँ पे लिखी गई है, और अंतिम रूप से जो सफल हो जाएंगे कैंडिडेट, उनकी जो है जांच करेगा कौन? आयोग जांच करेगा उनके सर्टिफिकेट को। तो ये नॉर्मल बातें हैं, ये सबसे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, सपोज कर लो एक लड़का है A और एक लड़का है B, ठीक है ना, दोनों के मेघा सूची में यानी मेरिट लिस्ट में सेम नंबर आ गए, तो क्या होगा? अगर ए का एज ज़्यादा है, यह अगर 50 साल का है सपोज कर लो आप, और यह सिर्फ 40 साल का है, तो ए वाले को जॉब दी जाएगी, बी वाले को नहीं दी जाएगी। एक और सिनारियो है, अगर ए और बी का एज 50-50 हो तो जॉब किसे मिलेगा? तो फिर मैट्रिक और इंटर में जैसे कि अगर मैट्रिक स्तर की एग्ज़ाम हो रही है तो मैट्रिक में दोनों के परसेंटेज को देखा जाएगा, जिसका ज़्यादा होगा उसी को जॉब मिलेगा। अगर ग्रेजुएशन लेवल का है तो दोनों के ग्रेजुएशन के स्कोर को चेक किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट दिया जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए परीक्षा का स्वरूप यहाँ पे लिखा है उन्होंने, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। लेकिन याद रखिए यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल एक पता नहीं ये लिखा उन्होंने क्यों, यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल बोल्ड में लिख दिया परीक्षा केवल मुख्य परीक्षा ली जाएगी। एक ही दिन आपका दो पेपर या जो भी हो सरकार ले लेगी। यहाँ पे झारखंड में आप लोगों को पता ही है, हाईकोर्ट आपको कैंडिडेट को एक बार एग्ज़ाम दो, पीटी दो, मेंस दो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ और हाईकोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाओ, उसके बाद नियुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा हेमंत सोरेन और रघुवर सरकार ने किया है झारखंड के लोगों के साथ। तो यहाँ पर उन्होंने इससे बचने के लिए क्या किया, एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा और जॉब होना हो या ना हो ये कर दिया जाएगा। अब देखिए आपका जो लैंग्वेज है, वहाँ पे लैंग्वेज में कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 12 लैंग्वेज को रखा गया है और यहाँ पे हेमंत सरकार बिल्कुल मुसलमानों को खुश करना चाहती है, उर्दू को उन्होंने ऐड कर दिया है। देखिए मुझे उर्दू लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उर्दू बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है। बिल्कुल आप जो है शायरी जो पढ़ते हो, बिल्कुल उर्दू के बहुत मशहूर शायर हुए हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। बट एक बात मैं बताऊं, उर्दू झारखंड में कितने लोग बोलते हैं, उससे ज़्यादा तो लोग हिंदी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हिंदी को हटा दिया गया है, उर्दू को सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ऐड किया गया है ताकि मुसलमान के वोटों को ये टारगेट कर सकें हेमंत सरकार। तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं नज़र आता है मोदी और हेमंत में। मोदी हिंदुओं को लॉलीपॉप देके आगे बढ़ना चाहता है और हेमंत मुसलमानों को लॉलीपॉप देके आगे बढ़ना चाहता है। तरीका एक ही है, जैसे जो जिस नज़रिए से देखना चाहता है। 12 लैंग्वेज कौन कौन से हैं, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडा, हो, खड़िया, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया। उड़िया में से किसी एक भाषा में आपको एग्ज़ाम देना ही होगा। तो ये बातें थी। आगे देखिए, यहाँ तक चीज़ें कोई भी आपके अंदर डाउट रह जाता हो, इतना सारा चीज़ बताने के बावजूद, तो कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट सेक्शन में आप अपना कंसर्न, जो आपका डाउट है, वह ज़रूर लिखें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।